हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप जो एंड्रॉयड मोबाइल में फिक्स बैटरी आती है, अगर उस बैटरी का, जैसे कि इस बैटरी में पत्ता क्रैक हो गया है, अगर इस तरह से आपका बैटरी का पत्ता टूट जाए तो कैसे आप उसे खुद सही कर सकते हैं और किस तरह से कनेक्शन देकर उसे रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये पत्ता है, ये पत्ता जो है ये यहाँ से क्रैक हो चुका है, तो आपको बताऊंगा कि कैसे आप जम्पर लगा के अपनी बैटरी को सही कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जिस तरह से कि ये पत्ता है, इस पत्ते में जो है वो आपको 3 कनेक्शन दिखाई देंगे। एक तो आपका जहाँ P+ लिखा है, और फिर आपका ये T और P-। ये पॉजिटिव है, इनएक्टिव है। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से स्क्रैच करना है, और स्क्रैच करने पे आपको गोल्डन प्रिंट दिखाई देगा, और ये बीच में जो आपको दिख रही है पतली सा प्रिंट दिखाई दे रहा है यहाँ कनेक्शन, इसको भी स्क्रैच करना है। तो इन तीनों पॉइंटों को स्क्रैच करके उसके बाद बैटरी पे भी इसी तरह का होगा, इस तरह के प्रिंट होंगे, उनको भी वैसे ही स्क्रैच करना है, और फिर हमें उस पर जम्पर वायर से कनेक्शन देना है। तो ये दिखाता हूँ किस तरह से करना है। ये देखिए, अब ये गोल्डन प्रिंट दिख रहा है स्क्रैच करने का। तो फिर उसके बाद इसको जैसे ही ये दिख जाए उसके बाद स्क्रैच करना बंद कर देना है, फिर अपना दूसरे वाला। इस तरह से उसके बाद शोल्डर से जिन जिन पॉइंट को स्क्रैच किया है वहां पे शोल्डर लगा देना है, सोल्डरिंग करना है उस पॉइंट पे। तो इस तरह से उन पॉइंटों पे सोल्डरिंग कर देना है। तो बैटरी में देखेंगे तो बैटरी में भी इसी तरह का दिखाई देगा प्रिंट आपको, इनको भी स्क्रैच करके इनके प्रिंट बनाने। और इस तरह से बैटरी पे सोल्डिंग करने के बाद जम्पर वायर से हम इसे कनेक्शन देंगे। आपको दिखाता हूँ किस तरह से। ये देखिए, बैटरी में तीनों पॉइंटों पे जम्पर वायर को मैंने लगा दिया है।
अब हम जो है वो जो चेक है क्रैक इस पे इन वायरों को सोल्ड करेंगे। तो ये इस तरह से इसमें लगा हुआ था, तो इसी तरह से हम इसको कनेक्शन देंगे। जो इस साइड वाली वायर है, जो ये वाली वायर है फर्स्ट वाली, उसको यहाँ पे बीच वाली बीच में और वरे वाली वरे में सोल्ड करेंगे इस तरह से। तो बैटरी को सॉल्व कर दिया है सही ढंग से। बैटरी का जो क्रैक पता था वो सोल्ड हो चुका है। अब हम इसे चेक करके देखेंगे। देखिए ऑन ऑफ ऑन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने जो फिक्स बैटरी है अगर उसका पता क्रैक हो जाए तो इस तरह से जंपर लगा के आप अपनी बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं। और इस तरह से करने पे आपकी बैटरी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल 100% सही वर्क करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी एक्टिवेट करना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स।